नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी के शो में जिसका नाम है प्रॉपर्टी की बात संजय कुमार के साथ। और आज हम ऐसी प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसका नाम है ओएसिस ग्रैंड स्टैंड और ये सिचुएटेड है यमुना एक्सप्रेसवे में। आइए जानते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से, जिससे आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे एक फायदे का सौदा हो सकता है। पेश है ओएसिस ग्रैंड स्टैंड, सिंपल इन्वेस्टमेंट ग्रैंड लिविंग, एक शानदार और लाजवाब इन्वेस्टमेंट का मौका। ओएसिस ग्रैंड स्टैंड की यूएसपी यह है कि यहाँ पर तो यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर है, ये सबसे पहला कि ये ऑन रोड एक्सप्रेसवे के ऊपर पहला प्रोजेक्ट है। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ओएसिस ग्रैंड स्टैंड लेकर आए हैं यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में आर्किटेक्चर का बेहतरीन निर्माण, जहां आपको मिलेगा सब कुछ ग्रैंड। कुछ लोगों के लिए ग्रैंड लिविंग लग्जूरियस लाइफ है, तो कुछ के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट से बढ़िया प्रॉफिट कमाना। ओएसिस ग्रैंड स्टैंड दोनों के लिए ही परफेक्ट है, क्योंकि इसका मोटो ही है सिंपल इन्वेस्टमेंट ग्रैंड लिविंग। तो अगर आप यहां रहने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलेगा ग्रैंड लग्जूरियस लाइफ, और अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ इन्वेस्टमेंट है तो फिर आपको मिलेगा ग्रैंड रिटर्न, यानी कि शानदार प्रॉफिट। आज भी यमुना प्राधिकरण पे चांस है इन्वेस्टमेंट करने का, कि जो भी आपका 3500 रुपए से और 5000 रुपए पर स्क्वायर फुट तक का रेट है। इन्वेस्टर को ये कहना चाहूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इन्वेस्टमेंट करें, ओएसिस की ग्रोथ में आप पार्टनर बने। आज इन्वेस्टमेंट करेंगे आप तो काफी अच्छा प्रॉफिट आपको आने वाले कल में मिलेगा। यमुना एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर पूरी तरह कमर्शियल हब में बदलने के लिए तैयार है। लगभग 80% एरिया पर बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑपरेशन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। सिर्फ 20% एरिया ही रेजिडेंस के लिए निर्धारित है, इसलिए ओएसिस ग्रैंड स्टैंड है खास, क्योंकि यहां सब कुछ है ग्रैंड। ग्रैंड एक्सटीरियर, जहां होगा पतंजलि फूड पार्क, वीवो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक हब, टॉय सिटी, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, मेट्रो कोच फैक्ट्री, फर्नीचर हब, एम्यूजमेंट पार्क, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी। ओएसिस ग्रैंड स्टैंड में आपको मिलेगा ग्रैंड लोकेशन, फिल्म सिटी सिर्फ 8 मिनट ड्राइव करके पहुंच सकते हैं, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर, फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर, ग्रैंड व्यूज एंड एमेनिटीज, जहां होगा ग्रीन पार्क, स्विमिंग पूल, एम्फी थिएटर, जॉगिंग ट्रैक्स, बिलियर्ड्स पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम और बैंक्वेट हॉल। इन सब में आपको मिलेगा ग्रैंड लिविंग स्टाइल, जिसमें होगा खूबसूरत ओबीडी शेड्स, इंटरनल वॉल पेंटिंग, मौसम के अनुरूप परमानेंट वेदर कोटेड हीट रिफ्लेक्टिव टेक्सचर पेंट, डिजाइनर फ्लोर टाइल्स, फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स, वुडन डोर फ्रेम्स, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, मॉड्यूलर स्विचेस एंड सॉकेट्स, कॉपर वायरिंग, ये सब कुछ और इससे भी ज्यादा बहुत कुछ, ताकि आपको मिल सके लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस। तो फिर इट्स टाइम टू स्विच ऑन द ग्रैंड लाइफस्टाइल मोड, एक्सपीरियंस द ग्रैंड व्यू, गेट रेडी टू सेलिब्रेट अ ग्रैंड लाइफ, एक्सपीरियंस द डिफरेंस। ओएसिस ग्रैंड स्टैंड, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, बुक योर ग्रैंड लाइफ टुडे। ये तो रही प्रॉपर्टी की बात, अब आइए मिलते हैं ओएसिस ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी संजय नागर जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। धन्यवाद संजय। मुझे ये जानना था कि आपने जो ग्रैंड स्टैंड प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे पे, ये जो लोकेशन को आपने चूज किया, ये इसके पीछे रीजन क्या रहा, क्या विजन रहा आपका? हमारा रीजन यही रहा कि आजकल क्या है कि आप विदेशों में जाते हैं, वहां पर शहर जो है वो दूर बसाए जाते हैं,
जी यमुना प्राधिकरण की भी यही सोच थी कि एक नया शहर बनाना है, उसके लिए यहाँ से एक्सप्रेसवे बनाया गया ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जी। इसके लेफ्ट राइट में जो प्लानिंग थी उन प्लानिंगों को देखते हुए हमने यहाँ पर ओएसिस प्रोजेक्ट को लेकर आए। इस ओएसिस ग्रैंड स्टैंड की यूएसपी यह है कि यहाँ पर एक तो यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर है ये सबसे पहला कि ये ऑन रोड एक्सप्रेसवे के ऊपर पहला प्रोजेक्ट है जी। दूसरा इस प्रोजेक्ट के सामने आप देखेंगे कि 50 ग्रीन बेल्ट है 100 मीटर की पूरे एक्सप्रेसवे के साथ में ग्रीनरी जी। जो दिल्ली के अंदर कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। दिल्ली में इस बात की कमी है हमेशा कमी है। दूसरा यमुना एक्सप्रेसवे पे वो चीज आ रही है देश के अंदर जो नहीं बनी हुई है। सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे पे फॉर्मूला वन है जी। दूसरा नाइट सफारी है जी। तीसरा देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है 1000 एकड़ में। चौथा एयरपोर्ट है ज्यूरिख एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जिसको स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख बना रही है पीपी मॉडल पर, जो कि बहुत ही सुंदर और लार्ज एयरपोर्ट बनाती है अपने आप में। वो कंपनी की एक खासियत है कि वो जो भी काम करती है वो लार्ज स्केल पे बहुत सुंदर और वर्ल्ड का सबसे सुंदर एयरपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। तीसरा लॉजिस्टिक हब है यमुना प्राधिकरण आने वाले कल का, ये न्यूयॉर्क में एक एक्सप्रेसवे है न्यूयॉर्क एक्सप्रेसवे, उस वो 65 किलोमीटर में बना हुआ है और उसके दोनों तरफ शहर बना हुआ है। न्यूयॉर्क के बाद में वर्ल्ड में दूसरा ऐसा शहर होगा जो कि 165 किलोमीटर अच्छा। में बनेगा। ये फेस वन में यमुना प्राधिकरण बना रहा है एयरपोर्ट तक, उसके बाद फेस टू में सबसे बड़ा देश का लॉजिस्टिक हब बनेगा अच्छा। तीसरा देश का सबसे बड़ा आपका टाउनशिप हाईटेक सिटी बनेगी मथुरा। चौथा शहर बनेगा आगरा। तो 165 किलोमीटर तक प्लानिंग यमुना प्राधिकरण की है कि जो पूरा शहर बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक ये प्रॉफिटेबल प्रपोजिशन है किसी भी बायर या इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी ले। 100% आज की डेट में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज आप देखेंगे कि कहीं भी आप नोएडा चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहाँ 6-7 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट से लेके और 15 हजार रुपए स्क्वायर फुट तक का रेट हो गया है। बिल्कुल हो गया है। आज भी यमुना प्राधिकरण पे चांस है इन्वेस्टमेंट करने का कि जो कि आपका 3500 रुपए से और 5000 रुपए पर स्क्वायर फुट तक का रेट है। जहां पर रेट कम होता है और शहर से दूर होता है उसका एप्रिसिएशन ग्रोथ ज्यादा होती है। ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि एक आदमी का हमारा क्या इंडिया में कि बजट है, सैलरी बजट है 50,000, 60,000, 70,000 इम्प्लाइजेशन का। वो जो घर है वो 20-30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए तक का परचेज करता है, उसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है जी। इसलिए हमें 30 लाख के फ्लैट बेचकर उस पर एप्रिसिएशन के ज्यादा चांस है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। मुझे एक और बात जाननी थी कि जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खासकर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या उसके लिए भी हमारे पास कोई स्कोप है, जो चाहते हैं कि 2-3 साल में इन्वेस्ट करके कुछ पैसा या कुछ ग्रोथ लेकर के बाहर चले जाएं इस प्रोजेक्ट से? ये प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये मध्यम वर्ग लोगों के सोच के हिसाब से बनाया कि जो सर्विस क्लास आदमी होता है वो 25-30 लाख की इन्वेस्टमेंट लोन लेकर जुगाड़ कर कर लेता है जी। उसको देखते हुए हमने ये 25-50 लाख रुपए तक के हमारे यहाँ पर ये फ्लैट्स हैं, इनमें लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको पीछे इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया उनको भी आज एप्रिसिएशन 20-30% का आया है। अच्छा, कितने साल में आया है? ये 5-6 साल में आया है क्योंकि रियल इस्टेट अभी दोबारा से रिव्यू हुआ है कोरोना काल के बाद में, तो पिछले 1 साल के अंदर 20% एप्रिसिएशन यहाँ पर आया है। तो हम क्या अगले 2-3 साल में क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम 2-3 साल में 20-30% एप्रिसिएशन और आएगा। अच्छा सर, एक बात और जाननी थी, जैसे कि बहुत लोग चाहते हैं मतलब इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनके मन में एक क्वेश्चन होता है कि मेरा पैसा सेफ कैसे है, और खासकर जब प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो ओएसिस ग्रांड में उनका पैसा सेफ कैसे है, उसकी क्या गारंटी है? ओएसिस ग्रैंड स्टैंड में उनका पैसा सेफ इसलिए है कि सबसे बड़ा रीजन यहाँ क्या होता था कि प्राधिकरण में बिल्डर की आउटस्टैंडिंग जी। हम लोगों ने प्राधिकरण का पैसा सबसे पहले दिया, मतलब 100% पेड अप, 100% पेड अप है ओएसिस ग्रैंड स्टैंड प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद में अब प्राधिकरण की रेरा प्राधिकरण की देखरेख में प्रोजेक्ट बनता है और टाइम जो हम रेरा को दिया हुआ है उस टाइम के अंदर आपको प्रोजेक्ट पूरा करना होगा जी। तो ये बात तो है सर उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसे की ग्रोथ को देखना चाहते हैं, लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे रहना चाहते हैं? ये प्रोजेक्ट जो रहना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एक तो नॉन पॉल्यूशन शहर है ये जी। बहुत लोग दिल्ली में कोरोना में बड़ी दिक्कतें आई,
तो लोगों ने मूव किया कि बाहर खुले में रहने के लिए। लेकिन हमने जो 30 लाख का फ्लैट और 50 लाख तक का फ्लैट ये बनाया है, जो अगर रहेगा भी नहीं तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अच्छी है। उसका रीजन है कि यहाँ पर इंडस्ट्री बहुत आ रही है जी, रेंटल वैल्यू उसकी बहुत अच्छी है यहाँ पे। हाँ, मैंने सुना कि कहीं पतंजलि और कुछ ऐसे 500 एकड़ में यहाँ पर पतंजलि बन रहा है, 50 एकड़ में वीवो है, 50 एकड़ में लावा है, 50 एकड़ में इंटेक्स है। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी 10-12 कंपनियां 50-50-100-100 एकड़ में वो आ रही हैं। मतलब ये क्वेश्चन मेरी तरफ से है, जनरली मैं देखता हूँ दिल्ली में, नोएडा में रेजिडेंशियल बहुत सारे हैं वहां पे, है ना, तो लोग यहाँ पे क्यों आएंगे और यहाँ पे आने का क्या बेनिफिट उनको मिलेगा? यहाँ पर उनको, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, यमुना प्राधिकरण का पूरा फोकस इंडस्ट्री के ऊपर है जी, स्टेट गवर्नमेंट का सख्त आदेश है कि इंडस्ट्री जल्दी से सबसे ज्यादा बनाई जाए। ये पहला शहर है जिसके अंदर 60% में इंडस्ट्री बनेगी। जो इंडस्ट्री में रोजगार करेगा वो लोग दिल्ली तो रहने जाएगा नहीं जी, तो यमुना प्राधिकरण के जो प्लॉट्स हैं या फ्लैट्स हैं, टाउनशिप्स हैं, उनमें रहने आएगा। वो यहाँ पर 20% है केवल रेजिडेंशियल। यमुना प्राधिकरण का एक पहला शहर है जिसके अंदर 20% में रेजिडेंशियल है, 60% में इंडस्ट्रियल है और 10% में आईटी हब है और 10% में कॉमर्शियल से। ये पूरा कंपोजिशन है, कंपोजिशन है यमुना प्राधिकरण का, इसलिए लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले कल में 1 लाख रोजगार यहाँ पे मिलने जा रहा है 2 साल के 3 साल के अंदर 4 साल के अंदर। वो लोग कहाँ रहेंगे? वो लोग हम लोगों की टाउनशिप या यमुना प्राधिकरण के प्लॉट्स, इनमें आकर यहाँ पर ही रहेंगे, क्योंकि दिल्ली यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर पड़ता है। सर, फाइनली आप बायर्स और इन्वेस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने जो बायर्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि उनको टाइम से ओएसिस जो घर दे रही है। इन्वेस्टर को ये कहना चाहूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इन्वेस्टमेंट करें, ओएसिस की ग्रोथ में आप पार्टनर बने, क्योंकि रियल इस्टेट इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। आज इन्वेस्टमेंट करेंगे आप तो काफी अच्छा प्रॉफिट आपको आने वाले कल में मिलेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बहुत सारी जानकारी मिली, और चूंकि मैं काफी सालों से रियल एस्टेट में, बावजूद मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं पता था, जो आपने अच्छे से बताया जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बायर्स और इन्वेस्टर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली वो भी डिसाइड करेंगे ग्रैंड स्टैंड के साथ जुड़ने का। बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए हॉट प्रॉपर्टी के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।